सोने के पिंजरे में एक तोता कैद था और तोता बोलने वाला था। राजा जी के यहाँ पर यह प्रथा थी कि महीने में दो बार कथा होती थी और कथा सुनाने के लिए जब भी पंडित जी आते, जब भी वो अध्याय खत्म करते तो हर अध्याय के आखिरी में कहते हरी मिले तो बंधन छूटे, और जैसे ही पंडित जी ये कहते तोता कहता पंडित झूठा है, और जैसे ही तोता ये कहता पंडित जी के लिए सिचुएशन अजीब हो जाती, हर बार एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती। दो तीन बार तो चल गया लेकिन पंडित जी को लगा कि तोता मानने वाला नहीं। पंडित जी अपने गुरु के पास गए और गुरु जी को बताया कि वहाँ पर जब राजा के यहाँ पर कथा सुनाता हूँ और कहता हूँ कि हरी मिले तो बंधन छूटे तो तोता कहता है कि पंडित झूठा है, ये तोता पंडित झूठा है बार बार क्यों कहता है। तो गुरु जी ने कहा कि चलते हैं, चल करके तोते से बात करते हैं। गुरु जी पंडित जी के साथ में तोते के पास पहुँचे और तोते से पूछा कि भैया बात क्या है। तो तोते ने बताया कि गुरु जी एक बार में एक ऋषि के आश्रम में पहुँचा, वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा था, जो उनके शिष्य थे मंत्र बोल रहे थे, मैंने एक मंत्र सुन लिया और मंत्र याद करके मैंने रिपीट कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र बोला तो ऋषि के शिष्यों ने देखा कि बोलने वाला तोता है, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। एक बार ऋषि के आश्रम में उनके एक शिष्य थे सेठ जी, वो आए, उन्होंने मुझे देखा कि बोलने वाला तोता है, वो अपने साथ में ले गए और ले जा करके मुझे चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। एक बार राजा जी के यहाँ पर दावत थी तो सेठ जी ने सोचा कि क्या गिफ्ट दिया जाए, फिर उन्हें मेरी याद आई, उन्हें लगा कि इससे महंगा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, वो मुझे लेकर के गए और राजा को भेंट कर दिया। रानी को मैं बड़ा पसंद आया और मुझे सोने के पिंजरे में कैद करवा दिया। कुल मिलाकर के रहा मैं पिंजरे में ही, मेरा पिंजरा नहीं छूटा, तो जब जब मैंने हरि का नाम लिया मेरा बंधन नहीं छूटा। गुरु जी ने तोते को अपने पास बुलाया और उसके कान में एक बात कही। गुरु जी पंडित जी को लेकर के वहाँ से चले गए। अगली सवेरे जब सुबह हुई तो राजा के सेवकों ने देखा कि पिंजरे में तोता मरा हुआ था, उल्टा पड़ा हुआ था। उन्हें बड़ी चिंता हुई और राजा को बुलाने गए, पिंजरे का गेट खोला और जैसे ही गेट खोला तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते बोला गुरु मिले तो बंधन छूटे। इस लाइफ में सही गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप किससे सलाह ले रहे हैं बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत आदमी से सलाह लेते रहेंगे तो आप गलत दिशा में बढ़ते जाएंगे और आपका कुछ नहीं हो पाएगा।